माय चैनल नेम इज़ बबीता विश्वकर्मा। आप लोग कैसे हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज डेट है 29 और टाइमिंग हो रहा है कुछ 2 बज रहे हैं। अभी जस्ट मेरा ऑनलाइन ख़त्म हुआ है, घर के सारे काम हो चुके हैं, मेरा लंच भी हो गया है, अब मैं जा रही हूँ बाहर। जी हाँ, मैं अपने फैमिली के साथ जा रही हूँ बाहर। कहाँ जा रही हूँ आप लोगों को साथ में लेके चलूँगी। और प्लीज़ वीडियो में जुड़े रहिएगा, एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही धमाकेदार ये वीडियो है। हाँ, फैमिली के साथ मैं जा रही हूँ और कौन मेरे साथ जा रहा है वो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा, और हम कहाँ जाने वाले हैं, क्या लेने वाले हैं। पर मैं थोड़ी सी हिंट आप लोगों को दे देती हूँ, थोड़ी सी हम शॉपिंग करने जा रहे हैं। जी हाँ, दिवाली की शॉपिंग। और आज फाइनली मेरा जो दिवाली की साफ़ सफाई थी, फाइनली आज मेरा पूरा हो गया, क्योंकि मॉर्निंग से लगे हुए थे साफ सफाई में। तो साफ़ सफाई मेरा हो चुका है और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, क्योंकि साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा मेन था। इसके लिए अब थोड़ी सी ख़रीदारी करनी बाकी है, तो वही आप लोगों को लेके चलती हूँ। और कहाँ जाने वाली हूँ तो वो भी आप लोगों को बता दूँ। चलिए फिर मिलते हैं बाद में। देखिए वहाँ से धीरे धीरे चलते हुए आ रही है, ये हमेशा लेट करती है, कभी भी टाइम पे आती नहीं है। और मैं इसका इंतज़ार 15-20 मिनट से कर रही हूँ और ये आराम से चलते चलते आ रही है। क्यों इतना लेट करती है? काम है, अभी ऑनलाइन क्लास ख़त्म हुआ और अभी उसको दवाई पिला के आई हूँ। मीर को, मीर की भी तबीयत ठीक नहीं है, बट कविता के सास ससुर हैं घर पर, तो मीर को देख रहे हैं वहाँ पर। तो ये मेरे साथ आई है और ये ऐसे ही आती है, इसको कुछ नहीं मिलता है, ये ऐसे ही उठ के आ जाती है पागल। तो और अब यहाँ से जो है हमारा वीडियो मैंने इसके लिए स्टार्ट किया कि आप भी हमारे साथ पूरा ब्लॉग इंजॉय कीजिए, है ना। और अभी फर्स्ट हम लोग कहाँ जाने वाले मुझे खुद को नहीं पता है, बट जहाँ भी जाएंगे साथ में लेके जाएंगे, तो बने रहिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं।
तो यहाँ पे हम डीमार्ट आए हैं। तो ये डीमार्ट बहुत ही बड़ा है मुलुंड का और काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर हमने ज़्यादा मुझे सूट करने नहीं मिला। जितना भी मिला मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमारी शॉपिंग हो चुकी है, अब हम निकल रहे हैं बाहर। तो ये बहुत ही बड़ा डीमार्ट है, अगर आप मुंबई के रहने वाले हो तो मुलुंड में है ये और निर्मल लाइफस्टाइल के पहले पड़ता है ये डीमार्ट। तो हमेशा मैं यहीं पे आती हूँ, अगर मुझे कोई छोटे मोटे चीज़ लेनी रहती तो मैं अपने पास वाले डीमार्ट में जाती हूँ। पर मैं ये मेरे घर से काफ़ी ज़्यादा दूर है ये डीमार्ट, पर मैं दिवाली में हमेशा यहीं आती हूँ। और ये हमारी ट्रॉली है, अब हम शॉपिंग करके काफ़ी ज़्यादा थक गए तो अब हम जा रहे हैं नाश्ता करने। और डीमार्ट के जस्ट बाहर ही आप निकलोगे तो खाने पीने की चीज़ें बहुत वहाँ पर मिलती है, तो वहाँ पर अब हम नाश्ता करेंगे, उसके बाद हमारी हम घर शॉपिंग पे हो चुकी जाएंगे। है और बिल भी अच्छा खासा निकल चुका है, तो बिल तो नहीं बताऊंगी, पर जो सारी चीज़ें ली है वो आप लोगों को डीमार्ट हॉल का वीडियो अलग से आएगा, है ना, तो वो देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अगर इसमें डाल दूंगी ना बहुत लेंदी हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। तो इसके लिए अब मास्क लगा लगा के मेरी नाक चपटी हुई, मास्क बहुत ज़्यादा टाइट है। कैसा लगा शॉपिंग करने में? बहुत अच्छा लगा, पर टाइम का पता ही नहीं चला, बाप रे 3 घंटा लग गया। हम लोग कुछ 3:10 पे यहाँ पे पहुँचे और अभी हम टाइमिंग कुछ कितना 6 बज रहा होगा, 6 बज रहा है। सोचिए हमको इतना टाइम और इतनी भीड़ है दिवाली के वजह से। पर ये हम लोग यहाँ पे आए हैं मुलुंड, है ना, मुलुंड डीमार्ट में। तो काफ़ी बड़ा डीमार्ट है और बहुत अच्छा है, हम हर साल यहीं पर, हर साल नहीं हमेशा यहीं आते हैं। और मेरे हस्बैंड भी आए हैं, कुछ खाते हैं। आप कैसा लगा बिल आया? सुनिए ना बताइए बिल अलग कैसा आया? ये दोनों औरत के साथ आना बहुत, सर पे अपने लाठी मारना है, इसके लिए दोबारा नहीं आना दोनों। कुछ आसपास 8 या 8:15 को आ गई थी, और तो उसके बाद मैंने 10-15 मिनट आराम किया। अब मैंने जस्ट अभी दाल और राइस रखा है, क्योंकि अभी दिन की रोटी है, सब्जी है, तो सब्जी रोटी तो नहीं बनाना, पर दाल राइस बना दी हूँ मैं, हो गया है। और अभी कुछ बज रहे मेरे ख्याल से 9 या 9:15 बज रहा होगा। अब बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि एक ही दिन में साफ़ सफाई डीमार्ट जाना, क्योंकि बहुत ही कम दिन बचे हैं दिवाली के लिए और हमें बाहर जाने के लिए, तो उसकी भी तैयारी हमें करनी से दोनों चीज़ हो गई। हमारी शॉपिंग वाला काम अभी हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया, थोड़ी मोड़ी कुछ चीज़ें रह गई हैं तो वो हम ले लेंगे, जब तक निकलेंगे नहीं तब तक ख़रीदारी बंद नहीं होगी। तो यही सारी चीज़ें हैं, पर दिवाली की कुछ चीज़ें मैं घर पे बनाने वाली हूँ, जैसे कि करंजी, चूड़ा, ये सब तो बनाना है, तो ये सारी चीज़ें लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और बहुत कम दिन बचा है, तो मैं सोच रही फटाफट बना दूँ। तो इसके लिए आज ही मैंने सब कुछ कर दिया, और कल है मेरा मॉर्निंग में स्कूल, और कल मेरा लास्ट डे है स्कूल का शायद से, और उसके बाद फिर मुझे बनाना है सारी चीज़ें, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और वीडियो के एंड तक जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और नहीं अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा। और डीमार्ट का हॉल जो है आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में शायद से, या तो इसके पहले भी मिल सकते हैं या तो इसके बाद भी आप लोगों को देखने मिलेगा कि मैंने डीमार्ट से क्या क्या लेके आई हूँ, वो अलग से आप लोगों को डीमार्ट हॉल आप लोगों को देखने मिलेगा। और आई होप वो भी आप लोगों को पसंद आएगा आप लोगों को। तो चलिए ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करती हूँ, वीडियो का एंड यहीं पे करती हूँ। आप लोगों को मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट एंड थैंक यू सो मच मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर, और जो नहीं बने हैं जल्दी से बन जाइए, जुड़ जाइए, जो हमारे परिवार का एक हिस्सा बन जाइए। तब तक के लिए बाय।